तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है और एक ब्लॉग में। तो दोस्तों, कुछ दिनों से जो है हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कुछ दिनों से हम दूसरे काम में थोड़ा बिजी थे। तो आज जो है ब्लॉग बनाने आए हैं बहुत ही टाइम निकाल कर। तो अभी जो है हम दोस्तों बोकारो के सेक्टर 9 में कूलिंग पॉइंट जो है उसी के पास में है और ये देख सकते हैं हमारे पीछे कूलिंग पॉइंट का नज़ारा। ये जो है, चलिए मैं थोड़ा बैक कैमरा से दिखा देता हूँ इस कूलिंग पॉइंट का नज़ारा। तो यहाँ पर जो दोस्तों, यहाँ पर सेक्टर 9 के बोकारो में जो कूलिंग पॉन्ड है वहीं पर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है कूलिंग पॉन्ड बहुत ही बड़ा पॉन्ड है जहाँ पर भारी मात्रा में पानी का यहाँ पर उपलब्ध है, भारी मात्रा में पानी उपलब्ध है। और इससे जो है ये आसपास के इलाके में बिजली की जो उत्पत्ति होती है उसको पूरा किया जाता है, आपूर्ति जो होती है उसको पूरा किया जाता है। उधर आप देख सकते हैं, उधर जो है यहाँ पर प्लान आपको दिख रहा होगा शायद। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए इस पानी का उपयोग किया जाता है और साथ ही प्लांट में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी हम फिलहाल इस रास्ते से जा रहे थे, सेक्टर 9 के रास्ते से जा रहे थे, तो यहीं पर जो है हमें ये कूलिंग पॉन्ड मिला। तो अभी हम यहीं पर आए हुए हैं इस कूलिंग पॉन्ड का नज़ारा देखने के लिए। यहाँ पर जो है बहुत सारे पानी में जो कूलिंग पॉन्ड में है इसके ऊपर बहुत सारा कचरा दिख रहा है चारों साइड में। ये सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है कचरा जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा दिख रहा है चारों साइड में। तो इधर जो आप देख सकते हैं इधर पानी है और पानी के ऊपर में देखिए बहुत सारा जो है यहाँ पर पौधे निकल आए हैं, दल निकल गया है यहाँ पर पानी में, जो कि पूरा कूलिंग पॉन्ड को यहाँ पर कवर कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ पर जो हरियाली आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे उसके ऊपर में जो है यहाँ पर दल निकल आया है पानी के ऊपर में, बहुत छोटे छोटे पौधे और लत निकल आए हैं जिसको पूरा पानी को ही कवर कर लिया गया है, जो पानी दिख नहीं रहा है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आते भी हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी जो है हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आप जो है ब्लॉग पर अभी बने रही है। इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो है कूलिंग पॉन्ड है और इस साइड में देख सकते हैं इधर मेन रोड है, जहाँ पर देखिए मेन रोड के पास में ही कूलिंग पॉन्ड है। आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, यहाँ से होकर गाड़ी उधर गुजरती है। और इधर आप देख सकते हैं कि उधर से आके वायर जो है यहाँ से देख सकते हैं ये वायर जो है यहीं से निकल के गया है कूलिंग पॉन्ड के ऊपर में जो है। आप इधर देख सकते हैं एक फैक्ट्री है और यहीं पर आप देख सकते हैं खूंटा लगा हुआ है वायर का, वायर का जो टावर लगा हुआ है, इससे होके इलेक्ट्रिसिटी जो है उधर गई हुई है यहाँ से। तो यहाँ की जो कूलिंग पॉन्ड है उसका यूज इसीलिए किया जाता है कि यहाँ का जो बिजली की आपूर्ति है उसको इस आसपास के इलाके को बिजली आपूर्ति के लिए पूरा किया जा सके। दोस्तों यहाँ का जो कूलिंग पॉन्ड है ये एक डैम के जितना बराबर है, इसको आप डैम भी मान सकते हैं, डैम जितना ही ये बहुत बड़ा है। लेकिन ये डैम नहीं है क्योंकि इस पर जो है पानी का स्रोत शायद दूसरा कहीं से नहीं आता है, खुद यहीं से निकलता है। इतना खाई होगा शायद इसके अंदर में कि यहाँ पर जो है पानी वर्षा का होता है उसको ये स्टोर करके रख सके, इतना पानी होता है इसके अंदर में। इसके आसपास में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा कचरा किया गया है, पता नहीं क्यों इतना कचरा है, बहुत ही ज़्यादा कचरा है। देखिए पास में, इतना पास में रोड है फिर भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे में बहुत ही पास में ही रोड है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कचरा है क्योंकि पास के लोग यहाँ पर आते हैं फिर भी कचरा हो जाता है। साफ़ सफाई रखना चाहिए क्योंकि पॉन्ड के पास में जो है देखिए ये एक रोड है, आप देख सकते हैं ये एक रोड है। तो रोड जो है रोड के साइड साइड में ओवर कचरा है, लेकिन इतना कचरा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए था जिससे यहाँ के लोगों को यदि कोई आता है तो उनको यहाँ पर दिक्कत ना हो घूमने में, यहाँ पर जो है वो घूम के मज़ा ले सके, ना कि कोई कचरा देख के उसका मन थोड़ा ख़राब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए था लेकिन नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों अभी जो है आप हमारे पीछे रास्ता देख रहे हैं मेन रोड से, वहीं से होकर जो है अभी हम यहाँ पर चढ़े हैं, वो एक कच्चा रास्ता है, वहीं से होकर चढ़े हैं और यहीं से जो है अभी जाके उतरेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये एक कूलिंग पॉन्ड के ऊपर में छोटा सा पुल बनाया हुआ है जहाँ से जो है लोग वहाँ पर जाके इस कूलिंग पॉन्ड का नज़ारा देख सकें, जो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वर्जित लिखा हुआ है, वर्जित क्षेत्र CP2 प्रवेश निषेध खतरा, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर कुछ ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं उधर और ख़तरे को महसूस करते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि जो अब यहाँ पर खतरा लिखा हुआ है तो आपको ध्यान आकर्षित करके ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है खतरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है जब भी इधर कोई आने का कोशिश करे तो उसको ध्यान में रखते हुए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से पानी का शायद रिसाव हो रहा है, शायद यहाँ पर साउंड भी दे रहा है पानी का रिसाव का। और इधर देख सकते हैं ये खाई हो गया है इधर, तो
तो इसीलिए शायद यहाँ पर जो है खतरा लिख दिया है ताकि आप सावधानी बरतें और इधर उधर ना जान ज़्यादा नहीं भड़कें और इधर उधर जो है ज़्यादा नहीं भड़कें। और इधर जो है देखिए पानी शायद नीचे जा रहा ना ऊपर आ रहा पता नहीं, यहाँ पर जो है पानी नीचे जा रहा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए खतरा लिखा हुआ है। इसके नीचे जो है पानी नीचे जा रहा है यहाँ से और नीचे की होकर पता नहीं किधर जा रहा है, इसीलिए खतरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सावधानी से इसके नीचे जो है खाई है, तो यहाँ पर जो है इसके नीचे खाई है और तो यहाँ पर जो है बहुत सावधानी से इसीलिए लिखा हुआ खतरा, इस यहाँ पर बहुत सावधानी से आपको देखना पड़ता है। इसके नीचे पानी जाता है, पानी किधर निकलता है पता नहीं, यहाँ इसके नीचे में पानी तो गिर रहा है लेकिन निकल किधर रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, किधर निकल रहा है शायद किसी तरफ निकल रहा होगा शायद, तो इधर का जो पानी है यहीं पर जाके गिर रहा है इसलिए यहाँ पर खतरा लिखा हुआ है। तो अभी जो है हम यहाँ पर ज़्यादा लेट तक नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है खतरा, शायद कोई देखेगा तो डांट भी पड़ सकता है कि यहाँ पर रहना मना है। तो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ, यहाँ से इस रास्ते से होते हुए निकलेंगे जहाँ से आए हुए थे, देख सकते हैं पीछे के रास्ते, ये एक छोटा सा पुल है तो इसी से होते हुए अभी हमको जाना पड़ेगा। यहाँ से नज़ारा आपको पौंड का अच्छा दिखेगा लेकिन जो है यहाँ पर खतरा है तो यहाँ पर ज़्यादा देर शायद रुकने नहीं दिया जाएगा, कोई आएगा तो डांटेगा, तो इसलिए जो है अभी हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और आप नज़ारा देख लीजिए यहाँ से जो है पौंड का नज़ारा, कूलिंग पौंड का नज़ारा किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ से जो है दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं और फिलहाल जो है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म भी करते हैं।